हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेरी पढ़ाई चैनल। अब तक हम लोगों ने टेंस के बारे में जानकारी ली थी और साथ ही साथ प्रेजेंट टेंस के चारों फॉर्म्स को समझा था। अब आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस, या इसी को पास्ट सिंपल भी बोला जाता है। तो पास्ट टेंस होता क्या है? जैसे कि आप जान चुके हैं कि जो काम हो चुका होता है पहले, उसको पास्ट टेंस में माना जाता है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की क्या पहचान होती है? द सेंटेंसेज विच आर कंप्लीटेड बाय द वर्ड्स ता था, ती थी, ते थे। जो वर्ड्स हिंदी में जैसे कोई सेंटेंस बनाते हैं तो वहाँ पर ता था, ती थे और ते थे से ख़त्म होते हैं, एंड होते हैं, उनको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में माना जाता है। पास्ट टेंस में जब सेंटेंस बनाते हैं तो वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो अब सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस देखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस का प्रेजेंटेशन सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देख लीजिए, शी रोट अ लेटर, रोट राइट का सेकंड फॉर्म। दे प्लेड फुटबॉल, प्लेड प्ले का सेकंड फॉर्म। ओके, तो इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे उसका प्रेजेंटेशन देखिए। नेगेटिव सेंटेंस बनाते टाइम ध्यान देंगे, नेगेटिव में नॉट तो लगाना ही होता है। जब नॉट लगाएंगे तो नॉट से पहले हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब डिड इज यूज्ड विद नॉट एंड वर्ब इज इन फर्स्ट फॉर्म, और जो मेन वर्ब होती है वो सेकेंड फॉर्म में ना होकर फर्स्ट फॉर्म में आ जाती है। अगर हमने डिड लगा दिया है तो डिड के साथ फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज नहीं किया जाएगा। तो फॉर्म प्रेजेंटेशन देखिए, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन आफ्टर ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देख लीजिए, शी डिड नॉट राइट अ लेटर। सेकंड एग्जांपल, दे डिड नॉट प्ले फुटबॉल। तो यहां पर देखा आपने, डिड के साथ नॉट का यूज हुआ और साथ ही साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया। अब इसके बाद इसी में देखेंगे हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस का क्या फॉर्मेशन होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस अगर हेल्पिंग वर्ब को क्वेश्चन वर्ड के रूप में लेते हैं तो कैसे बनेगा, इसका प्रेजेंटेशन देखिए। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर एग्जांपल देख लीजिए, डिड शी राइट अ लेटर। और सेकेंड एग्जाम्पल, डिड दे प्ले फुटबॉल। तो यहाँ पर आपका आंसर यस या नो में आएगा। तो यहाँ पर हमने हेल्पिंग वर्ब जब क्वेश्चन वर्ड के रूप में आ जाती है तो इस तरह से फॉर्मेशन होता है, और जब डब्ल्यू एच वर्ड एज ए क्वेश्चन वर्ड आएगा तो प्रेजेंटेशन कैसा होगा? सिंपल है, डब्ल्यू एच वर्ड को डिड से या हेल्पिंग वर्ब से पहले ऐड कर देते हैं। यही सारे टेंसेज में इसी तरह से होता है, प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो चाहे फ्यूचर टेंस हो। तो इसका प्रेजेंटेशन देखेंगे, डब्ल्यू एच वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट आफ्टर दैट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल, वेन डिड शी राइट अ लेटर। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, वेयर डिड दे प्ले फुटबॉल। तो यहाँ पर देखिए डब्ल्यू एच वर्ड का यूज़ किया गया और साथ ही साथ डिड का भी यूज़ किया गया है और फिर उसके बाद वर्ब का यूज़ किया गया है। अब इसके बाद देखते हैं पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में क्या पहचान होती है? कॉन्टीन्यूअस टेंस की पहचान हर जगह वही होगी, वर्क कॉन्टीन्यूअसली चल रहा होगा, प्रोग्रेस में होगा। इसीलिए इसको क्या बताया था, या तो कॉन्टीन्यूअस टेंस भी बोल सकते हैं या इसको प्रोग्रेसिव टेंस भी बोल सकते हैं। तो पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस की क्या पहचान है? द सेंटेंस विच आर कंप्लीटेड बाय द वर्ड्स लाइक रहा था, रही थी, रहे थे एक्सेट्रा। तो कोई सेंटेंस जहाँ पर रहा था, रही थी या रहे थे से कंप्लीट होता है तो वो कौन से टेंस में होता है? पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में। और इसकी क्या और पहचान होती है? द वर्क विच वॉज इन प्रोग्रेस इन पास्ट टाइम कैन बी ऑब्जर्व्ड। तो कोई ऐसा काम जो कि पास्ट टाइम में प्रोग्रेस पर था वो देखा जा सकता है। अब इसमें सेंटेंस बनाते टाइम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर्क का यूज होता है। प्रेजेंट टेंस में इज आर एम का यूज होता था, यहाँ पर वॉज या वर्क का यूज किया जाता है। वॉज का यूज होता है सिंगुलर नाउन और सब्जेक्ट के साथ, और वर्क का यूज होता है प्लूरल नाउन और सब्जेक्ट के साथ। साथ ही साथ आईएनजी को भी ऐड किया जाता है। कॉन्टीन्यूअस टेंस में ऑलवेज आईएनजी का ऐड किया जाएगा और वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म होगी। अब देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का प्रेजेंटेशन। सबसे पहले सब्जेक्ट, देन वॉज या वर, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आईएनजी एंड आफ्टर डेथ ऑब्जेक्ट। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी वॉज राइटिंग अ लेटर, वॉज का यूज किया, राइट में आईएनजी का यूज किया और सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट देखिए, दे वर प्लेइंग फुटबॉल, प्ले फर्स्ट फॉर्म और साथ में आईएनजी का यूज, तो प्लेइंग हो गया। दे प्लूरल है इसलिए वर का यूज किया गया। अब इसी में सेकंड देखते हैं, नेगेटिव सेंटेंस का कैसे प्रेजेंटेशन होता है। नेगेटिव सेंटेंस में आपको पता है नॉट लगाना है, तो सीधा सीधा है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जो कि वॉज या वर होगी, प्लस नॉट का यूज करेंगे, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आईएनजी एंड आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये इसका एग्जांपल देखेंगे। शी वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर, हेल्पिंग वर्ब वॉज के बाद नॉट का यूज किया और राइट के साथ आईएनजी का यूज करके राइटिंग बना दिया। नेक्स्ट देखिए, दे वर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, ओके प्लूरल के साथ वर का यूज किया गया। अब बनाएंगे हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस को। इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपको बताया टाइप वन जब कि हेल्पिंग वर्ब एक क्वेश्चन वर्ड के रूप में आती है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है, वॉज या वर। तो प्रेजेंटेशन देखेंगे कैसे बनेगा, वॉज या वर प्लस सब्जेक्ट आफ्टर दैट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देख लीजिए, वॉज शी राइटिंग अ लेटर या वर दे प्लेइंग फुटबॉल, प्लूरल और सिंगुलर का फर्क होता है हेल्पिंग वर्ब के लिए। ओके, नाउ टाइप टू, WH वर्ड्स जब क्वेश्चन वर्ड के रूप में यूज किए जाते हैं, तो इसका प्रेजेंटेशन क्या होगा, सिंपल है। WH वर्ड को हेल्पिंग वर्ब से सिर्फ पहले उठाकर रख देना है और बाकी पूरा सेंटेंस वैसा के वैसा ही रहेगा। तो देखिए प्रेजेंटेशन, WH वर्ड प्लस वॉज या वर आफ्टर द सब्जेक्ट देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। इसी का एग्जाम्पल देख लीजिए, वाई वॉज शी राइटिंग अ लेटर। सेकेंड एग्जाम्पल, वेन वर दे प्लेइंग फुटबॉल। ओके, कुछ बच्चों ने क्वेश्चन किया था कि सर हाउ का यूज कैसे किया जाएगा, तो हाउ का यूज मैं बता दूं आपको, डब्ल्यू एच वर्ड बोलते हैं तो डब्ल्यू में आ जाते हैं वेन, वाई, वेयर, और एच वर्ड में हाउ आ जाता है, तो हाउ का यूज भी जहां पर यूज करना होगा वहां पर हम हाउ का यूज भी इसी रूल से करेंगे। नेक्स्ट अब आते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। परफेक्ट टेंस का नाम सुनते ही दिमाग में यह चीज़ आ जानी चाहिए कि कोई ऐसा वर्क जो हो चुका है उसके बारे में बात हो रही होगी, और जब पास्ट परफेक्ट है तो कहीं पास्ट में कोई ऐसा वर्क होगा जो कंप्लीट हो चुका होगा उसके बारे में बात होगी। तो देखते हैं क्या होता है। दीज सेंटेंसेज आर कंप्लीटेड विद द वर्ड्स लाइक चुका था, चुकी थी, चुके थे, एक्सेट्रा। जब हिंदी के वर्ड्स में इस तरह से कोई वर्ड आता है, कंप्लीट होता है, तो वहाँ पर परफेक्ट टेंस माना जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस। और इसमें क्या पहचान होती है, द कंप्लीशन ऑफ वर्क कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द पास्ट। अब पास्ट टाइम पे किसी वर्क का कंप्लीशन देखा जा सकता है। अब इसके बाद सेंटेंस बनाते टाइम यहाँ पर हेल्पिंग वर्क क्या यूज होगी, यहाँ पर यूज होगी हैड। हम लोग प्रेजेंट टेंस में हैव या हैज का यूज करते थे, यहाँ पर सिर्फ एक होगा हैड, चाहे प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो, ओनली हैड का यूज किया जाएगा। ओके, तो सबसे पहले फॉर्मेशन देखते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस को किस तरह से प्रेजेंट किया जाएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस में देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट, देन हैड हेल्पिंग वर्ब, एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड देन ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के साथ जो वर्ब है, मेन वर्ब है, उसकी थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा। तो अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में ही हैड प्लेड क्रिकेट, देन दे हैड डन देयर होमवर्क। इन दोनों चीज़ों में आप ध्यान देंगे कि वर्क कंप्लीट हो चुका है, वो लोग क्रिकेट खेल चुके हैं या ये वर्क कंप्लीट कर चुके हैं। एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, जब भी परफेक्ट टेंस का यूज़ होता है तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज होगा। ओके, भले ही हेल्पिंग वर्ब हैड लगे, चाहे हैव लगे, चाहे हैज लगे, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा। अब इसके बाद आते हैं नेगेटिव सेंटेंस पर। नेगेटिव सेंटेंस का प्रेजेंटेशन देखिए, इसमें सब्जेक्ट, देन हैड, वर्ब के बाद सीधे सीधे नॉट का यूज करेंगे, तो नॉट, देन मेन वर्ब और उसकी थर्ड फॉर्म होगी, प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, He had not played cricket. Second example, they had not done their work.
तो सिर्फ इसमें चेंज क्या है, हैड हेल्पिंग वर्ब और जो वर्ब है उसके बीच में नॉट का यूज़ कर देना है। नाउ इंटरोगेटिव सेंटेंस में आते हैं। इंटरोगेटिव का सेंटेंस का प्रेजेंटेशन कैसा होगा? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैड, देन सब्जेक्ट, आफ्टर दैट वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर इंटरोगेटिव सेंटेंस में सीधे सीधे हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आएंगे और उससे सेंटेंस बना देंगे। एग्जाम्पल देखिए, हैड ही प्लेड क्रिकेट। सेकेंड एग्जाम्पल देख लीजिए, हैड दे डन देयर वर्क। इसी तरह से अगर किसी WH वर्ड से अगर बनाना है आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो वहाँ पर सिर्फ WH वर्ड को हैड से पहले ले आएंगे और पूरा का पूरा सेंटेंस सेम टू सेम लिख दिया जाएगा और वही इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस था। अब आते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूस बोथ। तो परफेक्ट मीन्स वर्क हैज बीन कंप्लीटेड एंड कॉन्टिन्यूस मीन्स वर्क इज इन प्रोग्रेस। बट इन द सेंस ऑफ पास्ट वी शुड नो दैट वर्क हैड बीन कंप्लीटेड इन द पास्ट एंड वर्क वॉज कॉन्टिन्यूसली गोइंग ऑन इन द पास्ट। तो इसमें देखेंगे क्या पहचान होती है। इन दिस टेंस इट इज शोन दैट अ वर्क वॉज गोइंग ऑन कॉन्टिन्यूसली फ्रॉम सम टाइम इन द पास्ट एंड सम पार्ट ऑफ वर्क हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर। तो इसमें क्या पता चलता है, इसमें देखेंगे तो पता चलेगा कि कोई एक ऐसा वर्क है जो पास्ट में कॉन्टिन्यूसली चल रहा था और उस वर्क का कुछ पार्ट पहले ही किया जा चुका है। तो इस तरह के जब सेंटेंस होते हैं तो वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में माने जाते हैं। इसमें हम लोग फॉर्मेशन देखेंगे। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस का प्रेजेंटेशन कैसे होगा, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, जब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आ जाते हैं तो वहाँ पर परफेक्ट का हेड प्लस कॉन्टिन्यूस का आईएनजी दोनों चीज़ों का यूज़ होता है और साथ ही साथ बीन का यूज़ भी किया जाता है। ओके, तो प्रेजेंटेशन में देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देख लीजिए, ही हैड बीन वर्किंग हार्ड फॉर 10 ईयर्स। टाइम दिया हुआ है, टाइम के बारे में मैंने आपको पहले बताया कि अगर फॉर या सिंस का यूज़ किस तरह से करते हैं। तो यहाँ पर जब 10 ईयर्स की बात है, कौन से 10 ईयर्स किसी को नहीं पता, बट 10 ईयर्स की बात है तो फॉर का यूज़ करेंगे। अगर टाइम नहीं भी दिया हुआ है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि टाइम दिया ही होगा और हम फॉर सिंस का यूज़ करना कंपलसरी है ही, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सेकेंड सेंटेंस देख लीजिए, दे हैड बीन डूइंग देयर वर्क। टाइम इज़ नॉट गिवन, तो वी हैव नॉट मैंशर्ड द टाइम एनीवेयर। ओके, नाउ वी कम टू नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का प्रेजेंटेशन कैसे होगा, फर्स्टली सब्जेक्ट, देन हैड, आफ्टर दैट नॉट। नॉट का यूज ऑलवेज हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद किया जाएगा। नॉट देन बीन, बीन का यूज करेंगे बट हैड बीन के बीच में नॉट का यूज कर देंगे तो हैड नॉट बीन हो जाएगा। प्लस यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान दीजिएगा, जहाँ कहीं भी हम लोग आईएनजी लगा रहे हैं, आईएनजी फॉर्म बना रहे हैं, मींस कॉन्टिन्यूस बना रहे हैं, तो वहाँ पर हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लेकर ही आईएनजी पुटअप किया जाएगा। तो आईएनजी के साथ ऑब्जेक्ट का यूज़ हो गया। तो इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, ही हैड नॉट बीन वर्किंग हार्ड फॉर 10 ईयर्स। हैड और बीन के बीच में नॉट का यूज हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, दे हैड नॉट बीन डूइंग देयर वर्क। ओके, ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। नाउ वी कम टू इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड द प्रेजेंटेशन ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस इज एज फॉलोज। फर्स्टली वी हैव टू यूज हैड, आफ्टर द सब्जेक्ट, देन बीन, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आफ्टर दैट आईएनजी एंड लास्टली वी विल यूज ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर भी आपने देख लिया, अगर टाइम दिया हुआ है तो हम टाइम ऐड कर सकते हैं, टाइम नहीं दिया हुआ है तो वी विल नॉट ऐड द टाइम। नाउ वी कम टू द एग्जांपल, हैड ही बीन वर्किंग हार्ड फॉर 10 ईयर्स। सेकंड एग्जांपल देखिए, हैड दे बीन डूइंग देयर वर्क। अंडरस्टैंड? तो यहाँ आपने देखा इंटरोगेटिव सेंटेंस तक, इंटरोगेटिव सेंटेंस में अगर WH वर्ड से यूज़ करना है तो सिंपली आपको सिर्फ WH वर्ड को स्टार्टिंग में पुट अप कर देना है एंड देन द होल सेंटेंस विल रिमेन सेम एज रिटन हियर। ओके, एग्जांपल अगर देखा जाए तो वेयर हैड
when had they been doing their work, इस तरह से आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस डब्ल्यू एच वर्ड को ऐड करके बन जाएगा। तो यहाँ पर हमारा पास्ट टेंस फिनिश होता है और हमने अब प्रेजेंट टेंस फिनिश कर लिया, पास्ट टेंस फिनिश कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट फ्यूचर टेंस। ओके, तो यहाँ तक के लिए अभी इतना ही। थैंक यू, स्टे हेल्दी।